मैं शो के विनर्स बिग बॉस 11 के विनर्स अभी अनाउंस कर देता हूँ। आप ये आप अभी चला दीजिएगा और जनवरी में इसको वापस चलेगा कि राजीव पॉल ने 4 अक्टूबर 2017 को कहा था। हिना खान, हितेन तेजवानी और वो प्रियंक है, ये तीन टॉप थ्री में है। जो टॉप फाइव होंगे उसमें तीनों के तीनों हैं, मार्क माई वर्ड्स। एंड मेरे ख्याल से हिना विल विन द शो, ये आप गारंटीड है, ये मैं कभी रॉन्ग नहीं। मैंने जब श्वेता तिवारी जीती थी, आई सेड श्वेता विल विन एंड यू कैन आई थिंक आई विल बी राइट दिस टाइम आल्सो। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सभी लोगों का जो मुझे अभी तक याद जिन्होंने रखा है। मैं शुक्रगुजार हूँ चैनल का जिन्होंने मुझे ये शो ऑफर किया, और उन सब लोगों को ये कहना चाहूँगा जो अपनी ज़िंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं कि अगर 6-7 साल अब टेलीविजन से दूर रहने के बाद अगर राजीव पॉल जैसा बंदा वापस टीवी पे एक बड़े रोल में उस मुकाम पे वापस आ सकता है, तो अगर आप किसी भी बुरे दौर से गुजर रहे हैं, हिम्मत मत हारिए, मेहनत करते रहिए, मुशक्क़त करते रहिए, किसी और जगह भी हाथ पैर मारते रहिए, और जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले तब आप प्रिपेयर्ड होने चाहिए, तब आप तैयार होने चाहिए उस अपॉर्चुनिटी को फेस करने के लिए। और ये शो बड़ा मज़ेदार होगा, प्लीज़ देखिए मंडे टू फ्राइडे जीजी माँ स्टार भारत पे 7:30 बजे। आई सो मेनी गर्ल्स पीपल टॉक अबाउट, विच गर्ल आर यू टॉकिंग अबाउट, प्लीज टेल मी कहाँ हैं यार, कहाँ हैं? अरे खबरें तो बड़ी पब्लिश होती है यार, बहुत मेरे पिक्चर्स फेसबुक पे, मेरे पिक्चर्स देखो कितने सारे पिक्चर्स ही पिक्चर्स हैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, होता क्या, पिक्चर्स ही होते हैं राइट? तो फेसबुक पे पिक्चर्स होते हैं ना, हाँ आप बताइए ना। सबसे पहले आई एम वेरी थैंकफुल टू द ऑडियंस, मेरे प्रीवियस शो में आपने मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे हमारी इंडस्ट्री में से काफ़ी सारे कॉन्ग्रेचुलेटरी नोट्स आए हैं, और ये जो शो है वो मुझे मेरे पिछले शो के ही बलबूते पे मिला है। सो आई थैंक माय प्रीवियस प्रोड्यूसर सोनाली जाफर एंड दिस शो, ये जो इस शो की प्रोड्यूसर है हमारी किन्नरी मेहता एंड जय मेहता। एक ही चीज़ किन्नरी मैम ने मुझे बताई थी कि पल्लवी जब ये कैरेक्टर लिखा गया तब हमारे दिमाग में आप ही थे, और ये एक एक्टर के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है कि कोई आपके बारे में इतना स्ट्रांगली और कॉन्फिडेंटली सोचता है। एंड आई विश के मैं उनकी जो भी अपेक्षाएं हैं, जो भी आकांक्षा है, वो पूरी कर सकूं। जीजी माँ ये एक ब्यूटीफुल शो आ रहा है स्टार भारत पे, सोमवार से शुक्रवार 7:30 बजे 9 अक्टूबर से, प्लीज़ देखिएगा। इट्स अ स्टोरी अबाउट अ गर्ल, जीजी माँ, जीजी मतलब बहन और माँ मतलब ऑफकोर्स आप जानते ही हो। ये एक बहन है जो अपने माँ के गुजरने के बाद अपनी छोटी बहन की खुशियों के लिए किस लेवल तक जाके कॉम्प्रोमाइज़ करती है, सेक्रीफाइज़ करती है, बस उसके चेहरे पे खुशी देखने के लिए। द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट दैट, और उसकी इस जर्नी में जो कोई दिक्कतें पैदा करता है, दैट इज़ गोइंग टू बी मी, दैट इज़ उत्तरा देवी, जो बहुत ही एरोगेंट है, जिसे बहुत पावर और पैसा ये चीज़ें उसके लिए बहुत ही मायने रखती है। इट हैज़ अ वेरी डिफरेंट डायमेंशन टू दिस कैरेक्टर, कि ये औरत अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, अपने हस्बैंड का बहुत रिस्पेक्ट करती है, बट व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, व्हेन इट कम्स टू डूइंग थिंग्स, इट शुड बी हर वे, इट्स लाइक हर वे और नो वे। सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। ये जो फाल्गुनी का कैरेक्टर है जो जीजी माँ बनी हुई है, उसमें और उत्तरा देवी के कैरेक्टर में एक ही सिमिलैरिटी है कि दोनों एक ही नक्षत्र पे पैदा हुई है, एक ही डेट पे पैदा हुई है, बट दोनों की पर्सनालिटीज अलग है। वो बहुत ही प्यारी, दूसरों को केयर करने वाली है, और मैं बहुत ही एरोगेंट और पावर और पैसा यूज़ करने वाली हूँ। यस एब्सोल्युटली। So it's a very interesting character, and specially after doing a comedy, मुझे ये second opportunity मिली है ये किरदार निभाने की, तो I feel that I'm very fortunate, and I thank my audience again and my producers for giving me such beautiful opportunity, and I hope कि मैं आपके जो भी expectations है वो पूरी करूँ। कितनी मेहनत की और कितना कुछ वर्कशॉप और कितना अपने आप
क्योंकि वो हमारी रजनीकांत में एकदम डिफरेंट कैरेक्टर था आपका, सबको हंसाने का, इसमें एकदम स्ट्रॉन्ग और सीरियस कैरेक्टर, तो कितना अपनाने में कितनी परेशानी हुई और या कितना इजी हुआ? मेरे लिए सबसे बड़ा डर यही था कि कहीं पे भी मेरे पहले शो की सुरीली ना आए, जो बंगाली थी, मेरे बोलने का जो तरीका था, बिकॉज उस वक्त भी मुझे ये टेंशन था कि कहीं पे भी आई एम अ महाराष्ट्रियन, आई एम मैरिड टू अ गुजराती, आई हैव डन लॉट ऑफ वर्क इन गुजराती, सो कहीं पे भी मेरा मराठी एंड मेरा गुजराती ना आए व्हेन आई वाज डूइंग अ बंगाली कैरेक्टर. फिर एक डेढ़ साल के लिए मैंने वो शो किया. उसके बाद ये शो करते वक्त और एक डर था कि कहीं पे अब वो बंगाली मेरी यहाँ पे ना आ जाए. सो आई एम वेरी वेरी कॉन्शियस कि मेरे कोई भी रिएक्शंस, मेरे कोई भी बोलने का तरीका सुरीली के साथ मैच ना हो, जो बहुत ही स्वीट सी थी, क्यूट सी थी, बंगालन थी, क्रेजी थी, और ये कैरेक्टर बहुत ही लेवल हेडेड, स्ट्रॉन्ग और एरोगेंट है. तो ये कैरेक्टर के लिए तैयारी मुझे इतनी करनी नहीं पड़ी, बिकॉज किसी भी एक्टर के लिए दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. एक तो वो क्या बोल रहा है, क्या कन्वे कर रहा है. तो उस मामले में मेरे राइटर जो है मयूरपुरी जी, उन्होंने आधा काम मेरा कर दिया है. ही इज़ सच अ ब्यूटिफुल राइटर. वो जो भी लिख के भेजते हैं हमें सिर्फ बोलना होता है. एंड सेकेंड, एक एक्टर का लुक जो आपको उस कैरेक्टर के पास लेके जाता है. सो आप ये जो लुक देख रहे हो वो लुक मेरा आधा काम कर रहा है, फ्रॉम हेयर स्टाइल्स से लेके मेरे कॉस्ट्यूम, मेरी ज्वेलरी, ये मुझे हेल्प कर रहा है, ये मेरा काम बहुत इजी कर रहा है उत्तरा पोर्ट्रे करने के लिए. आई वांट टू आस्क, कैसे आप इतना सब कुछ हैंडल कर रही हैं, इतना हैवी ज्वेलरीज,